السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. आप सब खैरियत से हैं? जी الحمد لله أستاذ محترم, आप कैसे हैं? الحمد لله رب العالمين. आज हम किताबुल जामे से तीसरा बाब शुरू करने जा रहे हैं, और ये बाब है बाबु जुहदी वल वरा। जुहदो वरा उर्दू में भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जुहद और वरा। जुहद का उमूमी तौर पर जो माना किया जाता है वो होता है बेरगबती। ऐसा ही है। वरा का जो माना किया जाता है वो अमूमी तौर पर जो मारूफ है माना, वो होता है शुबहात से बचना। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्ला बयान फरमाते हैं कि जोहद जो है, जोहद का माना होता है ऐसी चीजों को छोड़ देना जिनका आखरत में कोई फायदा ना हो। ऐसी चीजों को छोड़ देना जिनका आखरत में कोई फायदा ना हो, ये जोहद की तारीफ किसने की है? बोलिए। दोबारा शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्ला ने जी, शेख इस्लाम ने देते हैं मेरा ठीक. और वरा की तारीफ वो करते हैं, वही ऐसी चीजों को छोड़ देना जिनकी बदौलत आखरत में नुकसान मुमकिन की जगह मुतवक्के लिख लें, वैसे मुतवक्के हो। ऐसी चीज को छोड़ देना जिनकी बदौलत, जिनके करने से आखरत में नुकसान उठाना पड़ सकता हो, आखरत में नुकसान मुतवक्के हो, इसको क्या कहते हैं? वरा। मैं इसको मिटा दूं, जी लिखिए. अल्लाह अकबर कबीरा। तीन तरह की अशिया होती हैं, बाज ऐसी अशिया होती हैं जिनके करने से आखरत में नुकसान मुतवक्के हो। बाद ऐसी चीजें होती हैं कि जिनके करने से आखरत में फायदा होता है। बाद ऐसी अशिया होती हैं कि जिनके करने से आखरत में ना फायदा होता है
ना नुकसान। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये जो तीन मैंने चीजें सामने रखी हैं आपके, इन तीन अशिया को देखकर जोहद और वरा की तारीफ कौन कर सकता है? हाथ खड़ा करें, कौन तारीफ कर सकते हैं? अगर नहीं तो भी बता दीजिए। अच्छा, देखें, मैंने बोला था ये जो पहली सूरत हमने पढ़ी है ना, कि जिसके करने से आखिरत में नुकसान हो सकता है, ये क्या है? वरा है। और जोहद क्या है? फायदा होता है इनके करने से आखिर जी माशाल्लाह, आखरत में कोई फायदा होता हो। में, बहुत ऐसी चीजें जिनके करने से ना फायदा और होता है। जिनके करने से ना फायदा हो ना नुकसान होता हो, वो भी जोहद ही कहलाएगा, मिन बाबिल औला। उसे वो भी जोहद में आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं इसको मिटा रहा हूं, हम आगे हदीस मुबारक की तरफ चलते हैं। इसको भी मिटा रहा हूं। ये थोड़ी सी बात समझ जाने के बाद अब हम आगे चलते हैं हदीस मुबारक की तरफ। हलाल वाज़े है, इसी तरह हराम भी वाज़े है। नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, वाहवा और फैलाया, अन्नौमान ओ नौमान रदी अल्लाह ने भी, इसबाई ही अपनी दोनों उंगलियां, इला उदुने ही अपने कानों की तरफ, अपने कानों की तरफ बढ़ाते हुए नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हु माँ ने फरमाया कि मेरे इन दो कानों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी है। अल्लाह अकबर कबीर। असल में नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हु की मेरे ख्याल में 7 साल उम्र थी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए थे। तो इतना छोटा बच्चा जिसकी बहुत कम उम्र है, वो भी हदीसे मुबारका सुन सकता है और आगे बयान कर सकता है। तभी तो वो बड़े वसूक के साथ कह रहे हैं कि ऐसा ना समझा जाए, बल्कि वाकई इन कानों के साथ मैंने ये बात सुनी है। आपने फरमाया क्या था? इन्नल हलाल अबैयुन, बेशक हलाल वाज़े है, व इन्नल हराम अबैयुन, और हराम भी वाज़े है। कौन सी चीज हलाल है, कौन सी हराम है, बिल्कुल वाज़े है, अक्सर लोग जानते हैं। वबैनहुमा मुश्तबिहातुन, और इन दोनों के दरमियान, किन दोनों के दरमियान? हलाल और हराम के दरमियान, मुश्तबिहातुन, कुछ मुश्तबे उमूर हैं। मुश्तबे मतलब उनके मुतालिक शुबा है। और जो गालबन जामे तिरमिजी की रिवायत है, उसमें अल्फाज हैं, ला यदरी कसीर मिनन नास अमीन अल हलाल ही अमीन अल हराम, लोगों में से अक्सर लोग नहीं जानते कि वो जो मुश्तबे उमूर हैं वो हलाल हैं या हराम हैं। ला यालमुहुन्ना, उनको नहीं जानते। किनको नहीं जानते? मुश्तबे उमूर को। कसीर मिन नास, बहुत से लोग उनको नहीं जानते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा, बहुत से लोग उनको नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? इसके तीन असबाब हैं। पहला सबब,
दलाइल का आपस में मुखालिफ होना, दलाइल का तआरुज एक दूसरे के खिलाफ होना, जैसा कि तहियतुल मस्जिद है। अब अहादीस में सराहत है, इदा दखल अहदुकुम मस्जिद, किस तरह अल्फाज हैं, फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकातैन, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो दो रकतें पढ़े बगैर ना बैठे। अब एक तरफ तो ये अल्फाज हैं, दूसरी तरफ ये भी अल्फाज हैं कि आपने असर के बाद और फजर के बाद नवाफिल पढ़ने से मना किया है। अब जो आदमी असर के बाद मस्जिद में आएगा वो नवाफिल ये तहियतुल मस्जिद पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? अब दलाइल का आपस में क्या है, एक दूसरे के खिलाफ है। एक तरफ दलील क्या है कि असर के बाद कुछ ना पढ़ो, और एक तरफ क्या है कि बैठने से पहले दो रखते पढ़ो। अब बज़ाहर ये दलाइल एक दूसरे के क्या हैं, मुखालिफ हैं। आम आदमी, हदीस में हमने पढ़ा ला यालमुहुन्ना कसीरुन मिनन्नास, बहुत से लोग नहीं जानते, तो बहुत बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते, ये तो उलमा का काम है, जो वाकई आलिम है मुश्तहिद है वो बता सकेगा कि यहाँ कौन सी दलील को मुकद्दम किया जाएगा। तो गोया पहला सबब क्या हुआ, दलाइल का आपस में एक दूसरे के मुआरिद आ जाना, मुखालिफ आ जाना। दूसरा सबब ये होता है कि दलील को समझने में, दलील को समझने में उलमा का इख्तिलाफ हो जाना, दलील को समझने में उलमा का इख्तिलाफ हो जाना, इसकी कोई मिसाल दे सकता है? बोलिए साथ साथ। मतलब आप ही बताइए, शेख जैसे किस्तों पे चीज लेना, इसमें भी तो इख्तलाफ पाया जाता है। चलो आप और ज्यादा दूर ना जाएं, सादा सी मिसाल। एहराम की हालत में औरत का पर्दा होना चाहिए या नहीं चेहरे का, नहीं नहीं इस ये पर भी गलत तो बात है, इख्तलाफ होना चाहिए। ये दोबारा नहीं करनी है आपने बात, इस पे पहले हम बड़ी तफसील से बात एक से जायद मरतबा कर चुके हैं। यहाँ हम छोटी सी लेकिन सर मिसाल देते हैं। इख्तिलाफ तो है ना। अच्छा नहीं, वो इख्तिलाफ सही, और हम उसको इख्तिलाफ को मानते ही नहीं है, वो इख्तिलाफ वहां पे होना ही नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि उलमा का आपस में इख्तिलाफ हो, और एक दूसरे, एक आलिम दूसरे के इख्तिलाफ को वाकई इख्तिलाफ समझें, उस तरफ तो हम इख्तिलाफ मतलब दूसरे आप ही इख्तिलाफ को बताइए। मानते। अच्छा चलें उसको हम छोड़ते हैं, हम सादा सी मिसाल लेते हैं। गुस्ले जुमा, जैसे गुस्ले जुमा, बाद उलमा कहते हैं गुस्ले जुमा फर्ज है, कुछ कहते हैं कि नहीं फर्ज नहीं है मुस्तहब है, और दोनों तरफ से दलाइल मौजूद हैं। अभी हम फैसला नहीं कर रहे, सिर्फ बता रहे हैं कि किसी दलील को समझने में उलमा का आपस में इख्तिलाफ हो जाता है। एक ये भी सबब है कि ला यालमुहुन्ना कसीरुन मिनन्ना, उलमा का आपस के इख्तिलाफ लोग क्या जाने। अच्छा जी, तीसरी तीसरा सबब ये भी हो सकता है, किसी दलील का मख्फी रहना, किसी आलिम को हर हर दो दलील है, आयत है या हदीफ है, हर आयत हदीफ, इसको सादा लफ्जों में यूं कह लें कि हर दलील, हर हर दलील, हर हर वक्त, हर हर आलिम के जहन में नहीं भी होती, तो बस औकात फैसला करते वक्त आदमी फैसला कर देता है लेकिन बाद में मालूम होता है कि दलील तो यार ये थी। मालूम हुआ ला यालमुहुन्ना कसीरुन मिनन्नास के कई तरह के असबाब हो सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। जी अल्लाहु अकबर कबीरा। तो
शुभहात जो है इसको बहुत से लोग नहीं जानते। क्या नहीं जानते उनके बारे में बताइए। कि ये चीज हलाल है या हराम है। हाँ, अमिन अल हलाल ही या अमिन अल हराम, इस तरह जामे तिरमिजी के अल्फाज हैं, ये वो हलाल है या हराम है। जी, फमन इत्तक शुबहात, बस जो बच गया शुबहात से भी, क्योंकि हलाल बयिन हराम बयिन, हलाल हराम पर अमल करे, मुश्तबिहात को वैसे छोड़ दे। फकद इस्तबरअ लिदीनिही व इर्दिही, फकद इस्तबरअ, वो बरात हासिल कर चुका है, उसने बचा लिया है, महफूज कर लिया है, लिदीन ही अपने दीन को भी, व इर्द ही और अपनी इज्जत को भी, जो शुबहात से भी बच गया उसने अपनी इज्जत और अपने दीन दोनों को महफूज कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला को पकड़े हैं, अब्दुल्ला यहाँ पे रो रहे हैं। जाकिल्ला जी, मैं जिक्र कर रहा था कि जो इंसान शुबहात से भी बच जाए उसने अपना दीन और अपनी इज्जत दोनों बचा ली। दीन तो आगे आएगा वो इंशाल्लाह वाज़े है, इंसान अपनी इज्जत कैसे बचाता है इस पर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ ताकि बात वाज़े हो जाए। क्लिनिक पे डॉक्टर बैठा हुआ है, मरीजों का चेकअप करता है वो। अब इतने में एक खातून आई है और वो क्लिनिक में अकेला है। खातून आती है और उसके पास बैठ जाती है। अगर ये खलवत इन दोनों की हासिल हुई और इस खलवत की वजह से अगर ये दोनों गुनाह में पड़ जाते हैं तो फिर इनका दीन क्या हो गया, खराब हो गया। मतलब फहाशी में पड़ गए, जिना में पड़ गए, तो दीन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दीन भी गया, मुमकिन है इज्जत एक हिसाब से बच जाए, किसी को पता ही ना चले, लेकिन दीन तो तबाह हो गया। दूसरी सूरत क्या है कि वो खातून आई और ये संजीदा रहा और वो भी अपने मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए आई थी उसी मकसद के तहत ही वो रही, उसने अपना जो चेकअप करवाना था वो करवाया, बातचीत की। इतने में क्या हुआ कि कोई इंसान और आ गया अंदर। अच्छा, अब ये जो दो बैठे थे, डॉक्टर और एक जो मरीजा है, इन दोनों ने आपस में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की जिसके साथ इनका दीन खराब हो सकता हो, लेकिन चूंकि तन्हाई मना थी, अब ये दोनों बैठे हैं। इतने में बाहर से कोई आने वाला जब आया, उसने देखा तो कम अज कम ये जो डॉक्टर है और वो जो मरीजा है, इसकी इज्जत पर कम अज कम हरफ जरूर आया, इज्जत में कमी जरूर आई कि ये ऐसे क्यों बैठे हैं। इसलिए ये शुबे वाली चीज है। तो जो शुबहात से भी बच जाए, पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान पर हमारा ईमान है कि वो इंसान अपना दीन भी बचा लेता है और अपनी इज्जत भी महफूज कर लेता है। वमन वक़ा फ़ी शुबहात, और जो शुबहात में पड़ जाए, वक़ा फ़िल हराम, वो हराम में भी पड़ सकता है, बल्कि पड़ जाएगा वो, आहिस्ता आहिस्ता हराम में पड़ जाएगा। कैसे? नबी अलैहिस्सलाम ने खुद इसकी मिसाल बयान फरमाई, कर्राई, चरवाहे की तरह, यरा, जो चराता है, हौल अल हिमा, एक चरागाह के करीब, यू शिकु, करीब है, अन यका फी ही, कि वो उसमें वाकई हो जाए। अला, तवज्जो से सुनो, मैं असल में इस वक्त आपके सामने हदीस की क्लास में बैठा हूं, मैं बकरियों का चरवाहा भी हूं। आप में से शायद किसी को हल्का फुल्का अंदाजा हो, लेकिन मुझे इस चीज का पूरी तरह अंदाजा है। बकरियां जब चराने जाएं तो ये ऐसा जानवर है कि एक जगह पर ये कायम दायम नहीं रहता है, बल्कि इसको आदत होती है आगे से आगे मुंह मारने की। अगर आपका एक जाती खेत है जिसमें आप बकरियां अपनी चराते हैं और उसका बकायदा तौर पर एक हुदूद उसकी बनी है, ये हदबंदी है, इसके बाद किसी और आदमी का खेत शुरू होता है, तो अगर तो आप अपनी बकरियां वो दरमियान खेत में चराएंगे तो ठीक है, ये वाजे है, लेकिन जैसे ही आपकी बकरियां वो जो हद बंदी है, हद फासिल है आपकी और दूसरे की फसल के दरमियान, अगर वहां तक ये चली जाएंगी तो दूसरी फसल में हरा भरा जो घास है, दीगर चीजें हैं, वो इसको भली मालूम होंगी, और ये ऐसा जानवर है जो उसमें भी मुंह मार जाएगा, बिलाखिर उसमें मुंह मार जाएगा। तो इसकी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बयान फरमाई है। तो इंसान को चाहिए, चरवाहे को,
वो हद बंदी के करीब भी ना जाने दे अपने जानवरों को। अला तवज्जो से सुनो, वह न लिकुल्ली मलिकिन हिमा, हर बादशाह की कोई ना कोई चरागाह होती है। मिसाल के तौर पे बैतुल माल के जानवर हैं, उसने चरागाह बनाई है। अला तवज्जो से सुनो, वह इन हिमल्लाही, अल्लाह ताला की जो चरागाह है, महारिमुहू, वो अल्लाह ताला की हराम करदा चीजें हैं। अब जो हराम करदा चीजों के करीब आएगा वो हराम में पड़ जाएगा। अला तवज्जो से सुनो, वह इन फिल जसदी, बेशक जिस्म में, मुज़गा, एक टुकड़ा है जिस्म का, इदा सलाहत, जब वो दुरुस्त हो जाए, सलाहल जसदु कुल्लू, सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है। वह इदा फसदत, और जब वो खराब हो जाए, फसद अल जसदु कुल्लू, सारा जिस्म खराब हो जाता है। अला तवज्जो से सुनो, वही अल कल्ब, वो दिल है। दिल जो है ये इंसान का यानी मरकजी हिस्सा है, जो दिल में आए, मन में आए इंसान वो करता है। गोया इंसान का बातिन, उसका इजहार इंसान के जहरी आमाल के साथ होता है। तो जिस तरह इंसान अपने बातिन, अपने जाहिर की वो करता है इसलाह, इससे ज्यादा उसको अपने बातिन की इसलाह करने की जरूरत है। हदीसे मुबारक हम समझ चुके हैं, किसी ने कोई बात इस हवाले से रह गई हो पूछ सकते हैं, वाजे है तो हम आगे चलते हैं। जी जी, इसको जुबानी याद करने की कोशिश कीजिए, मैं 1 मिनट आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिनको हदीस मुबारक याद हो गई है वो हाथ खड़ा कर लें। जी मतलब आज की क्लास में ये हाथ खड़ा करने वाला रहने लंबी लंबी यहाँ देश है याद में। अच्छा, लंबी हदीस है असल में ये, बड़ी मारूफ रिवायत है, तो कोशिश करके इसको जरूर याद कीजिए। इसका तर्जुमा तो आता है बट भी मतलब इसका थोड़ा सा देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जी, पैसे का गुलाम। अबू हुरैरा रضي अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, अब्दुल्ला फरमाते हैं, एक बार तर्जमा दोबारा कर दीजिए, जो हमने हदीस मुबारक का पहले पढ़ी उसका तर्जमा कह रहे हैं आप। मैं कर देता हूँ। इन अल हलाल अबैन, बेशक हलाल वाज़े है, बेशक हराम भी वाज़े है, और इनके दरमियान कुछ मुश्तबे उमूर हैं जिनको बहुत से लोग नहीं जानते हैं। बस जो शुबहात से भी बच गया उसने अपना दीन भी और अपनी इज्जत भी बचा ली, और जो शुबहात में पड़ गया वो हराम में पड़ गया। उस चरवाहे की तरह जो चराता है चरागाह के करीब, करीब है कि वो उसमें वाकई हो जाए। तवज्जो से सुनो, बेशक हर बादशाह की चरागाह होती है। तवज्जो से सुनो, और बेशक अल्लाह की चरागाह उसकी हराम करदा चीजें हैं। तवज्जो से सुनो, बिला शुबा जिस्म में एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और जब वो खराब हो तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। तवज्जो के साथ सुनो, और वो दिल है। हम आगे चलते हैं। अबू हुरैरा रضي अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताइसा, हलाक हो गया, अब्दुद्दीनार, दीनार का बंदा,
व दिरहम, और दिरहम का बंदा, तईस अब्दु दीनारी व दिरहम। अल्लाह अकबर। वल कतीफा, और चादर का गुलाम, चादर का बंदा भी हलाक हो गया। इन उतिया, अगर उसको दिया जाए राजिया तो खुश होता है, वह इल्लम युता, और अगर उसको ना दिया जाए लम यरदा तो राजी नहीं होता। जिन लोगों के यहाँ पैसा असल है उनका ये हाल होता है, आप उनके साथ ताल्लुक भी बनाए तो वो ताल्लुक भी पैसे की बुनियाद पर बनाते हैं। पैसा उनको देते जाएं तो वो आपके हैं, पैसा देना रोक लें तो वो आपके नहीं हैं। ताईस अब्दुद्दीनारी व दिरहमी वल कतीफा, इसको तीन तीन बार पढ़ें। ताईस अब्दुद्दीनारी व दिरहमी वल कतीफा, आगे इन उतिया रदिया व इल्लम युता लम यरदा, जिसको याद हो जाए हाथ खड़ा कर लें। सूरह तौबा में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फइन उतू मिन्हा रदू व इन लम युतू मिन्हा इदा हुम यसखतून। इसी तरह सूरतुल फजर में भी आप पढ़ते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी पर इकराम करता है, इनाम करता है, तो कहता है फयकूलु रब्बी अकरमन, और जैसे अल्लाह तबारक व तआला उसको आजमाइश में डालते हैं तो क्या कहता है, रब्बी अहानन। गोया इस हदीस मुबारका में इस बात का इजहार है कि इंसान का जो मकसद हयात है, मतमय नजर है, वो हरगिज भी रुपया पैसा नहीं है, बल्कि वो यहाँ अल्लाह की इबादत है। वाज़े है, हम आगे चलें। जी दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहें। अब्दुल्लाह इब्न उमर रضي الله عنهما से रिवायत है, उन्होंने कहा अखद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमन की बी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे को पकड़ा, फकाल, और फरमाया कुन फि दुनिया, दुनिया में हो जा, का अन्ना का गरीब। गोया के तू गरीब है, अजनबी है। औ आबिरु सबील, आबिर का मतलब होता है अबूर करने वाला, सबील का मतलब है रास्ता, रास्ता अबूर करने वाला, मुराद मुसाफिर। तो दुनिया में एक अजनबी और मुसाफिर बनकर रहो। कुन फि दुनिया का अन्ना का गरीब उन औ आबिरु सबील। ये सारी रिवायात जो हैं वो दुनिया से बेरग़बती और आखरत के साथ ताल्लुक कायम करने के हवाले से आप पढ़ रहे हैं। कुन फि दुनिया का अन्ना का गरीब उन अवाबिरु सबील, जितना याद इसको हो गया वो हाथ खड़ा कर लें। माशाल्लाह। इस पर हमारे एक अजीज हैं, उनका किताबचा है लेकिन अब शायद वो ना मिले, बहुत पुराना छपा था। उसका नाम था अजनबी मुसाफिर, अजनबी मुसाफिर, इसी हदीस मुबारका के वो था, उसकी तशरीह में था। अच्छा जी। वकान इब्न उमर यकूल, और अब्दुल्लाह इब्न उमर रضي الله عنهما क्या करते थे, इदा अमसैता, राइटर का नेम, राइटर जो है ना हमारे फुफ्फड़ जान है मौलाना अब्दुल हमीद बाजवा हाफिज़हुल्लाह, उनका था ये। काफी देर होगी मैंने देखा था, अब कहीं नजर तो नहीं आया। अजनबी मुसाफिर, और वो बड़ा अच्छा, वो अदीब भी हैं, बड़े खूबसूरत लिखते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रضي الله عنهما फरमाया करते थे, इदा अमसैता, जब तू शाम कर ले, फला तंतदिर सबाह, तो सुबह का इंतजार मत किया कर, पता नहीं सुबह उठना भी है कि नहीं। वइदा अस्बहता, और जब तू सुबह कर ले, फला तंतजिर अलमसा, तो शाम का इंतजार ना किया कर, नहीं मालूम शाम क्या जिंदगी की शाम हो जाए।
وخذ من صحتك لسقمك، وخذ और पकड़ من صحتك अपनी सेहत से، لسقمك अपनी बीमारी के लिए، ومن حياتك और अपनी जिंदगी से، لموتك अपनी मौत के लिए. क्या मतलब؟ जब आप तंदुरुस्त हों तो आमाल ज्यादा करें، ताकि कभी बीमार भी पड़ जाएं तो आमाल ना भी कर सकें، तो पहले से आप आमाल अच्छे कर चुके हों. अल्लाह अकबर. तो ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रضي الله عنهما का फरमान भी आखिरत याद दिलाता है. हम आगे बढ़ते हैं अगियार की नक्काली. अब्दुल्लाह इब्न उमर रضي الله عنهما से रिवायत है، उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया، मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम، जिसको याद आ जाए वो हाथ खड़ा कर लें. अल्लाह अकबर कबीरा، अल्लाह अकबर कबीरा. जी، मन तशब्बहा बिकौमिन، जिसने मुशाहबत इख्तियार की किसी कौम की، फहुवा मिनहुम، तो वो उन्हीं में से है. इसका क्या मतलब है कोई बता सकते हैं؟ किसी दूसरी कौम के रीति रिवाज या उनका पहनावा या उनके रिचुअल्स, उनके कस्टम्स, कुछ भी उसको फॉलो करना। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि ऐसे काम करना जो कुफार की खसूसियात में से हो، आप वो तर्ज इख्तियार करें तो मालूम हो कि ये यहूदियों का तरीका है، ये ईसाइयों का तरीका है. अल्लाह अकबर कबीरा. आप अगर नाराज ना हो तो मैं बात कर देता हूँ، वैसे अगर कोई हो भी जाए तो उसका अपना है भाई، नाराज अगर कोई हो भी जाए तो. दाढ़ी जी काटना बिल्कुल ये यहूदो नसारा का तर्ज है، इसी तरह खवातीन का पर्दा ना करना ये यहूदो नसारा का तर्ज है، अहले इस्लाम का नहीं है. अब ये बात जो मैंने की है इस पर मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम का इतलाक करके जरा गौर कर लीजिए. बाज हमारे यहाँ मर्द ऐसे हैं، बाज नहीं बल्कि अक्सर मर्द अहले इस्लाम में ऐसे हैं जो दाढ़ी तो रख लेते हैं लेकिन मूछें नहीं काटते، ये पता नहीं क्या बात है. जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था खालिफुल मुशरिकीन، मुशरिकों की मुखालिफत करो، अहफु शवारिब व अरखुल लिहा، मूछों को खूब काटो और दाढ़ियों को लटकाओ. बाज लोग दाढ़ी मैंने जिक्र किया، अक्सर लोग बल्कि दाढ़ी रख लेते हैं लेकिन मूंछें नहीं काटते، ये भी गलत है. तो मुराद क्या बिल्कुल साफ कर दे या कुतरवाना जैसे हरिकार का सा दोबारा बोलिए मुंते। नहीं सवाल، दोबारा कीजिए. उस्ताद मतलब मुंछे खूब से मुराद क्या बिल्कुल साफ कर दे हमारे यहाँ मुंछे इसकी हाँ एक है कैंची से ज्यादा काटना، कर दे। जी। एक है कि उसको रेजर के साथ बिल्कुल ही साफ कर देना، जी तो वो क्या सर हलक क्या हलक में आ जाता है. यानी इसकी दो तीन सूरतें हैं، बल्कि मैं चलें जिक्र कर देता हूँ، बात हुई है जी। तो. पहली सूरत होती है हलक، हलक मूंढने को कहते हैं، रेजर के साथ उस्तरे के साथ. ये मूंछों के बारे में रवैया इख्तियार करना दुरुस्त नहीं है، जिस तरह के हमारे यहाँ एक मसलक ऐसा है उनके उलमा करते ही हलक हैं، ये गलत है. एक सूरत है इहफा، जो अभी हमने हदीस में पढ़ी، मूंछों के बारे में ये सूरत है. और एक है तकसीर، तकसीर होता है कैंची वगैरह के साथ काटना، तकसीर भी ठीक है लेकिन ज्यादा बेहतर इहफा है.
इहफा की वजाहत में अगर हम जाएं लुगत में, तो मालूम होता है कि पस्त करना, बहुत ज्यादा इनको काटना कि नीचे जो चमड़ा है, जिस्म है, वो भी नजर आए और हल्के हल्के बाल भी नजर आए। ये है इहफा, अहफु शवारिब, इहफा का लफ्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है। गोया इहफा तकसीर और हलक के दरमियान में है, तो इहफा का हुक्म है। जी ठीक तो मैंने जिक्र किया कि इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि जो अगियार की खसूसियात में चीजें शामिल हैं, जर्द रंग का कपड़ा पहनना, जाफरान के साथ रंगा हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था गालिबन अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रदियल्लाहु अन्हुमा को, तो आपने फरमाया था इन्ना हादी थियाबुल कुफार फला तलबसहा, ये काफिरों का लिबास है तुम मत पहनो। ये बात तो हुई एक तरफ। दूसरी बात ये है, बाज ऐसे काम होते हैं जिनके साथ उनकी खसूसियत नुमाया नहीं होती, वैसे कामों में उनकी नकाली कर लेना, उनके तजुर्बात से फायदा उठा लेना, ना सिर्फ ये कि ये जायज बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है। आप हैरान होंगे, आपने गजवाए अहजाब के मौका पर, जिसको गजवाए खंदक भी कहते हैं, खंदक खुदवाई थी। अब खंदक जो खोदी गई थी, अरब का तरीका ये था ही नहीं, ये था ही अगियार का, लेकिन चूंकि उसमें फायदा था, नबी अलैहिस्सलाम ने उससे फायदा उठाया, वगरना छोटी सी जमात पूरे अरब और हर किस्म के जत्थे को शिकस्त कैसे दे सकती थी। खंदक में फायदा था तो खंदक खोद ली गई। अब ये उनका शियार नहीं है, उनकी खसूसियत नहीं है। इसी तरह एक है कि आप असलहा तैयार करें, नए सिरे से कोई डिजाइन बनाएं और सांचा बना बना कर वो उसको आगे लेकर आए। एक है कि कुफार ने पहले से कोई असलहा तैयार किया हुआ है, तो आप उनकी नकाली करते हैं, वैसे का ही असलहा बना लेते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। यानी दुनियावी उमूर जिससे उनकी पहचान, उनकी खसूसियत वाजे नहीं होती, तो ऐसे उमूर में उनके तजुर्बात से फायदा यकीनन उठाया जा सकता है। वाज़े है, आगे चले। थक तो नहीं गए जी कहीं सारे आज? मतलब नहीं सारे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत अभी हम पढ़ेंगे, जिस ज़िमन में समझिए कि पक्के मुवाहिद बनिए, तौहीद परस्त। फरमाते हैं कुन तो खल्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था, यो मैंने एक दिन फकाल, तो आपने फरमाया या गुलाम बेटा, इहफज़िल्लाह, अल्लाह की हिफाजत कर, यहफज़ का वो तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह की हिफाजत जो फरमाया ना, इसमें चार चीजें शामिल हैं। नंबर एक, अल्लाह ताला की हुदूद। नंबर दो, अल्लाह ताला के हुकूक। नंबर तीन, अल्लाह ताला के अवामिर, जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अमर से अवामिर। और नंबर चार, अल्लाह ताला के नवाही, जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है। इन तमाम चीजों की हिफाजत कर, इनका ख्याल कर, यहफज का अल्लाह ताला तेरे हुकूक का भी ख्याल करेगा। इहफज़िल्लाह, तू अल्लाह की हिफाजत कर, तजिदहू, तू उसको पाएगा, तुजा हक अपने सामने। क्या मतलब? जब कहीं मुश्किल होगी तो सामने अल्लाह तबारक व ताला को तू पाएगा कि उसकी नुसरत, उसकी ताईद और मदद तुम्हारे साथ होगी। इदा सअलता, जब तू मांगे, फसअलिल्लाह, तो अल्लाह से मांग। वो इस्तअनता, और जब तू मदद मांगे, फस्तईन बिल्लाह, तो मदद भी अल्लाह से मांग। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे ईमान कमजोर हैं, आमाल में हम बहुत कमजोर हैं, अल्लाह ताला मुआफ फरमा दे और सही मानों में मुआफ फरमा दे और अपनी रहमत का हम सब पर नुजूल फरमा दे। इंसान थोड़ा सा मजबूत हो दीन के मामलात में, तो इन चीजों को वो अपने
इंशाल्लाह यानी मुशाहदे में पाएगा कि अल्लाह तबारक व ताला के हुदूद, हुकूक, अवामिर और नवाही का वो ख्याल करे, तो अल्लाह ताला भी ऐसे इंसान का फिर खैर खा और मददगार बन जाता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बन जाता है फिर अल्लाह उसका बन जाता है। तो खालिसतन अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक है ये हदीसे मुबारक, उस ताल्लुक पर दलालत करती है। आगे पढ़ लें, चलिए पढ़ ही लेते हैं। जी, पढ़ी। सहल इब्ने साद रदी अल्लाह अनु से रिवायत है, उन्होंने कहा जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह दुल्लनी, मेरी रहनुमाई कीजिए, आला अमलिन, किसी ऐसे काम पर, इदा अमिल तुहू, जब मैं उस पर अमल करूं, अहब्बनी अल्लाहू, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, वअहब्बनी नास, और लोग भी मेरे साथ मोहब्बत करें। तो गोया इसको आप कह सकते हैं अल्लाह और लोगों की मोहब्बत हासिल करने का जरिया। फकाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़हद फी दुनिया, दुनिया में जो कुछ है उससे जुहद का पहलू इख्तियार करो, बेरगबती का पहलू इख्तियार करो, दुनिया में जो कुछ है उससे बेरगबती इख्तियार करो, युहिब्बुकल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का हो गया जरिया, और लोगों की मोहब्बत कैसे हासिल होगी, वज़हद, और बेरगबती इख्तियार कर, फीमा, उन चीजों के बारे में, इंद नास, जो लोगों के पास है, युहिब्बुक नास, लोग भी तेरे साथ मोहब्बत करेंगे। जो इंसान लोगों की जेबों की तरफ उसकी नजर हो जी, तो ऐसा इंसान फिर दीगर लोगों की नजरों में घटिया तसव्वुर किया जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो दुनिया, चूंकि अल्लाह ताला की ये है दुनिया, इससे बेरगबती इख्तियार करे, अल्लाह उसे मोहब्बत करेगा और हकीकी नेमतों से उसको सरफराज फरमाएगा। इसी तरह लोगों के पास जो कुछ है, मालो दौलत, नाजो नेम, इंसान उस चीज से भी बेपरवाह हो जाए तो लोग भी फिर उस इंसान के साथ मोहब्बत करेंगे। वाज़े है इज़हद फी दुनिया युहिब्बुक अल्लाह, वज़हद फी मा इंद नास युहिब्बुक नास, इसको 3, 4, 5 बार पढ़ें ताकि याद हो जाए। जी हम आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ताला किससे मोहब्बत करता है। साद बिन अबू वक्कास रदी अल्लाह अनु बयान फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुल अब्द, ऐसे बंदे को पसंद करता है, अत्तकी, जो मुत्तकी हो, अलगनी, बेपरवाह हो, अलखफी, छुपकर रहने वाला हो। रवाहु मुस्लिम, इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस हदीस मुबारका में जो बिल्कुल वाज़े है, पहली सिफ़त बयान की गई है कि वो मुत्तकी हो, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया उनसे बचने वाला हो, तकवा इख्तियार करने वाला हो, महारिम से इज्तनाब, रज़ाइल से इज्तनाब, दोनों चीज़ें शामिल हैं तकवा में। इसी तरह दूसरे नंबर पर उसका जो वस्फ बयान किया है वो बेपरवाह हो, लोगों से बिल्कुल बेपरवाह हो, खालिसतन अल्लाह का मंगता हो, अल्लाह से मांगने वाला हो। और तीसरा वस्फ ये बयान किया गया कि वो अलखफी हो, छुप कर रहने वाला हो, शोहरत का तालिब ना हो। हाँ, अगर कभी उसको शोहरत मिले भी तो अल्लाह के नाम के साथ शोहरत मिले, अल्लाह के दीन की वजह से शोहरत मिले कि फुला आदमी बेहतरीन कारी है, फुला आदमी बेहतरीन मुअल्लिम है, फुला आदमी बहुत ज्यादा दीनदार है, फुला आदमी बहुत ज्यादा बाहया है, बहुत ज्यादा बा अखलाक है, तो गोया दीन की वजह से उसकी शोहरत हो फिर तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा वो क्या हो, खफी, छुपका रहने वाला हो, ऐसे बंदे के साथ अल्लाह तबारक व ताला मोहब्बत करते हैं। अच्छा, शायद आपने तो आज बस नहीं कहना, चले एक रिवायत और पढ़ लेते हैं बस। अबू हुरैरा रضي الله عنه से रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन हुस्न इस्लाम المرء तर्कुहु मा ला यानी, मिन हुस्न इस्लाम المرء तर्कुहु मा ला यानी, जिसको याद हो जाए हाथ खड़ा कर लें।
अकबर कबीरा। मिन हुस्न इस्लाम अलमरई, आदमी के अच्छे मुसलमान होने की अलामत क्या है? तर्कुहु, उसका छोड़ देना, मा वो चीजें, ला यानी ही, जो उसकी मकसद की नहीं है, जो उसके लिए ला यानी है, बेमकसद है, फजूल है। जो आदमी ला यानी बातों को छोड़ देता है, ऐसा इंसान अच्छा मुसलमान तसव्वुर किया जाता है। अच्छा, इस हदीस के जिमन में आपको मैं एक लतीफा सुनाता हूँ, सुना दूँ? जी उस्ताद मोहतरम सुनाइए। जी, जिन्होंने कहा सुना दें वो तो सुने, बकिया जो है अपने माइक भी म्यूट कर लें और अपनी उंगली अपने कानों में ले लें ताकि वो ना सुन पाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जी, हम आगाज करते हैं। सऊदीया के एक बहुत बड़े खतीब हैं, उनका किस्सा है। वो बयान फरमाते हैं कि एक बार मुझे गालिबन शहरे मदीना जाना था बाज दुरूस के लिए, तो उन्होंने जिक्र किया कि मेरा जो बेटा है वो हिफ्ज करता था, तो जाहिर है उसको रोजाना अपने जाना पड़ता था हिफ्ज के हलका में। ये जो मैं वाक्या सुनाने वाला हूँ वो है फजीलतु शेख दकतूर अब्दुर्रहमान अल आरिफी हफिजहुल्ला। ये सऊदीया के मुमताज आलिम दीन हैं और बहुत जबरदस्त खतीब हैं, शेख आवाज कट गई थी, अब्दुल रहमान आगे क्या बताया? अल आरिफी, अच्छा अब्दुर्रहमान अल आरिफी, बहुत बड़े और बस यूं कहें कि जिस्म में आग लगा देने वाले खतीब हैं, ऐसे के बला के वो खतीब हैं। उन्होंने वाक्या लिखा है, शायद इनके बेटे का नाम भी फिर अब्दुर्रहमान ही था, तो अब्दुर्रहमान अपने बेटे के हवाले से उन्होंने वाक्या लिखा। ये अरब में चलता है और बल्कि मुहद्दिसीन में तो बकायदा ये चलता है, बाप का नाम, दादा का नाम, दादा के आगे बाप का नाम, ये नाम बिल्कुल सेम होते हैं, ऐसा चल जाता है। तो शायद बेटे का नाम भी अब्दुर्रहमान रखा हो, अपना भी अब्दुर्रहमान है। तो अब्दुर्रहमान बेटे का वाक्य उन्होंने लिखा है कि मुझे जाना था, तो मैंने अपने किसी शागिर्द को शायद बोला होगा कि आप गाड़ी पर इसको छोड़ देना हिफ्ज़ के हलके में और छुट्टी के बाद उसको ले आना। अच्छा, अब्दुर्रहमान को अलग करके कहा कि बेटा बात सुनो, ये हदीस याद कर लो, मिन हुस्न इस्लाम अलमरई तर्कुहु मा ला यानी। कहते उसको मैंने कुछ बार दोहराई तो उसको याद हो गई, उससे सुना उसने कहा मिन हुस्न इस्लाम अलमरई तर्कुहु मा ला यानी। कहते मैंने उसको कहा कि आपको फुला भाई लेने के लिए आएगा, अगर अगर वो कोई बात करे जो ला यानी हो, बेमकसद हो, आपने उसका जवाब नहीं देना, ये हदीस मुबारक सुना देनी है। क्योंकि लोगों को आदत होती है, वो पूछते हैं उलमा के बच्चों से बिलखसूस, अच्छा आपके वाले साहब कहाँ गए हैं, ठीक है आपकी वालिदा का क्या नाम है, आप लोग कितने बहन भाई हैं, जी ऐसे की फजूल बातें। तो जब वो आपसे ऐसी बात करे तो आपने क्या करना है, फौरी तौर पर हदीस मुबारक सुना देनी है। अच्छा, हुआ ये, अब्दुर्रहमान जो है वो गाड़ी पर सवार हुआ, बैठा, इतने में वो जो नौजवान था उसने लताफत भरे लहजे में कहा, अब्दुर्रहमान अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा, इतने में अब्दुर्रहमान ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया, अल्लाह आपको भी खुश रखे। अच्छा, उसने फिजा को थोड़ा सा नरम रखने के लिए पूछा, तुम्हारे अब्बू का आज कोई लेक्चर है? तो अब्दुर्रहमान ने हदीस मुबारक दोहराई, लेकिन वो हदीस दोहरा ना पाया चूंकि वो भूल गया होगा अल्फाज मिन हुस्न इस्लाम अलमरई तर्कुहु मा ला यानी। लेकिन उसने इतना कह दिया कि जो बात आपसे ताल्लुक नहीं रखती उसमें दखल अंदाजी ना कीजिए। अच्छा, नौजवान कहने लगा, नहीं, मेरा मतलब था असल में मैं उनके लेक्चर में हाजिर होकर इस्तिफादा करना चाहता हूँ। अच्छा, अब्दुर्रहमान ने दोबारा से वही बात दोहरा दी कि जो इंसान के मुतालिक ना हो उसे उसमें दखल नहीं देना चाहिए। अच्छा, इतने में वो कुछ और सवाल कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब ये था।
वो जैसे जैसे सवाल करता रहा मजीद मजीद, वो अब्दुलरहमान चीखता चिल्लाता यही बात दोहराता जा रहा था। इतने में शेख फरमाते हैं कि मैं चंद दिनों बाद वापस आया और मैंने अब्दुलरहमान से पूछा कि बताओ। उसने कहा ऐसा ही हुआ और मैंने ऐसे ऐसे ही जवाब दिए थे। तो आप भी आज याद कर लीजिए, मिन हुस्न इस्लाम अलमरई तरकुहु मा ला यानीही। अब्दुल्ला ने कुछ लिखा है, मैं समझ नहीं पाया। कहना चाह रहे हैं आपने कहा ना कि जो नहीं सुनना चाहते वो कानों में उंगलियां देने कुछ इस तरह का, तो वो उन्होंने कहा मैं तर्जुमा करने में मसरूफ था इसलिए रिप्लाई नहीं कर सका अच्छा जहां तक अच्छा मुझे अच्छा समझ वो आई है। मैंने मजाहन कहा कि सब नहीं ना सुनना चाह रहे थे तो बकिया जो है वो फिर ना सुने, क्योंकि वो हदीसे मुबारक, हम तो हदीस क्लास ले रहे थे ना, वो एक लतीफा आ गया था तो सोचा मैं कुछ लोगों को सुना देता हूँ, मुमकिन है इससे आपको फायदा हो। जी इंशाल्लाह जरूर। सर मतलब यहाँ तक ही काफी आज की क्लास और जी अगर कहें तो हम आगे भी चलते हैं। बाकी बताएं आप फिर। नहीं सर काफी सब सब रिप्लाई करें। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुछ कहना चाह रहे हैं कि बस। वो कहता है रंगो रस की हवस और बस, मसलाए दस्तरस और बस, यूं बुनी है बनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस, सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस, क्या है माबैन सयादो सैद, एक चाके कुफस और बस, उस मुसव्विर का हर शाहकार, 60 65 बरस और बस। चलिए अस्सलाम सुभानक वालेकुम अल्लाहुम्मा वरहमतुल्लाहि बिहमदिक, वबरकातुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।